The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Stroke. क्या होता है स्ट्रोक और व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक. देखिए जनाब, ऐसा है, ये क्रिकेट का स्ट्रोक नहीं है जो आप मजाक मिलेंगे. ये ऐसा स्ट्रोक है जो आप कभी ना चाहें किसी को हो, आपके जाने पहचाने या आप चाहने वालों को हो. स्ट्रोक का मतलब होता है कि जैसे दिल को हार्ट अटैक होता है वैसे दिमाग को होता है स्ट्रोक. स्ट्रोक बोले तो कि दिमाग के किसी हिस्से में खून का सप्लाई बंद हो जाता है. जब भी दिमाग के किसी हिस्से में खून का सप्लाई बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक. एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड, दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं. समटाइम्स इस प्रकार के स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, ब्रेन अटैक. और अगर कहीं गलती से ऐसी हो जाए कि आपके ब्लड का सप्लाई जो है वो बहुत देर तक बंद है, बहुत देर तक बंद है, तो आपका हार्ट लिटरली, आपके ब्रेन लिटरली डैमेज हो सकता है. वहां पर परमानेंट डैमेज हो जाएगा. मतलब इतना है कि फ्यू सेकेंड्स की भी बात है, अगर कुछ सेकेंड से ज़्यादा देर तक ही आपका ब्रेन में खून नहीं गया तो भी वो डैमेज हो जाएगा. इतना डेंजरस होता है एक स्ट्रोक. स्ट्रोक को समझना बहुत ज़रूरी है. फ्यू सेकेंड्स, कुछ 30-40 सेकेंड के बाद आपका ब्रेन डैमेज होने लग जाता है बिकॉज ब्रेन कैन नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेशली ऑक्सीजन. और ब्रेन सेल भर मरने लग जाते हैं और ये फिर लंबा डैमेज हो जाता है. जिस भी हिस्से को कंट्रोल करने वाले ब्रेन सेल मर जाएंगे वो हिस्सा काम से गयो. इसमें दो प्रकार के स्ट्रोक है. देखिए अल्टीमेटली तो खून का सप्लाई हो रहा है कम, लेकिन वो दो तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है उसके कारण वाइज, एक होता है कि वहां क्लॉट आ गया तो उसको कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक, मेडिकल वर्ड है क्लॉट वाला. और एक अगर कहीं ब्लीडिंग हो गई. अब कहोगे सर हम तो कह रहे हैं ब्लड सप्लाई कम और यहाँ तो आप ब्लीडिंग करवा दे रहे हो, ब्लीडिंग हो गई तो कहे का स्ट्रोक. देखो जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको मेडिकल टर्म में हीमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. मगर हीमोरेजिक स्ट्रोक में हो क्या रहा है कि ब्रेन के एक बड़े हिस्से में खून भरने लग जाता है. जब खून भरने लग जाता है तो खून जो नॉर्मल ब्रेन है वो उसका एक जगह खाने लग जाता है, उसको दबाता है, उसको और दबाता है क्योंकि भरेगा राइट, तो वो दबाएगा तो सही, और दबाएगा तो जो हिस्सा दबते जाता है वहां ब्लड का सप्लाई कम होते जाता है. इस तरह से हो जाता है इस्चीमिक स्ट्रोक, हीमोरेजिक स्ट्रोक यानी ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक. सो क्लॉट और ब्लीडिंग, ये दो मेन कारण है स्ट्रोक के. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी कहीं पर क्लॉट है पूरी बॉडी में और वो वहां से निकल के, जहां पैरों में क्लॉट है, हार्ट में क्लॉट है और वहां से निकल के वो ब्रेन में चला गया, तो ये थ्रोम्बस बोलते हैं. तो ये थ्रोम्बस निकल के जाएगा तो भी स्ट्रोक कर सकता है. पैरों में अगर मान लो आपको डीप वेट थ्रोम्बोसिस है, हार्ट के अंदर मान लो आपके कहीं वेजिटेशन या क्लॉट है, कोई रोमेटॉइड हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, ऐसे कंडीशंस में आपको स्ट्रोक हो सकता है. बहुत सारे कारण हैं स्ट्रोक होने के और इसी के चलते बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आए कि स्ट्रोक के सिम्टम क्या है. सिम्टम वाइज याद रखिए, अगर ब्रेन के किसी भी हिस्से को खून का सप्लाई कम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर हिस्से की जो भी काम है, अगर उसका काम आपके हाथ को कंट्रोल करना है तो हाथ काम करना या तो बंद कर देगा, कम कर देगा या सुनपना आने लगेगा. माइनर डैमेज होगा तो पहले सुनपना आएगा, उसके बाद ज़्यादा इशू आएगा तो हाथ जो है कमज़ोर हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा ताकत है इसमें कम, और बहुत इशू आ जाएगा तो हाथ जो है पूरा लटक जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकता है. कहने की बात, समझने की बात क्या है कि स्ट्रोक में अगर हाथ में प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे तो कहीं भी आ सकती है. आपके एक साइड के पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक इफेक्ट हो सकती है स्ट्रोक में.
एक पूरा सिर्फ दोनों पैर पैर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता नॉर्मली। अगर दोनों पैर में इशू है, उसके कुछ एक्सक्लूजन बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, अगर दोनों पैर में इशू है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके स्पाइन में, पीठ में प्रॉब्लम है, राइट। स्पाइन में दिक्कत आई है वहाँ पर, तो स्पाइन में इंजरी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइनल कॉर्ड कट हो गई है, तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो आपके सिर्फ और सिर्फ फेस में दिक्कत है, तो ये भी होता है कि फेशियल नर्व आती है जो यहाँ से कान के पीछे से पास से, तो फेशियल नर्व में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हो सकता है। सिर्फ नर्व में, ब्रेन में स्ट्रोक की बात नहीं है फिर तो। हमें हर दुनिया का पैरालिसिस ब्रेन में स्ट्रोक नहीं होता, लेकिन पैरालिसिस ब्रेन से कंट्रोल करने वाली नर्व्स या ब्रेन दोनों में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। तो प्रॉब्लम वही है, जब इलेक्ट्रिक लाइट नहीं गई है तो या तो इन्वर्टर, क्या बोलते हो उसको तुम, कम वो फूटा है, क्या फूटता है, जब फूटता है तो कुछ तो फूटता है, जो बाहर लगे होते हैं आपके जो मेन उसका सेंटर है, या तो तार वार कट जाती है, खराब हो जाती है, ट्रांसफॉर्मर फूटता है, तो या तो ब्रेन खराब होता है या उसकी नसें खराब होती है आपके, जब भी कोई हिस्सा काम करना बंद करता है। तो इसी तरह से बॉडी चलती है, कभी कभी कोई हिस्सा काम करना कम कर देता है, तो अगर स्ट्रोक होगा तो ये तुरंत होगा। तुरंत का मतलब है कि कल तक ठीक था, आज ठीक था, सुबह ठीक था, और एकदम शाम को काम करना बंद। दैट इज कॉल्ड, दैट इज अ स्ट्रोक, दैट इज मीन्स अभी अभी कुछ हुआ, एक्यूट स्ट्रोक। एक होता है कि क्रोनिकली लंबे समय में धीरे 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 ब्रेन डैमेज हो रहा है, उम्र के साथ होता है, धीरे 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 ब्रेन के नसें मर रही हैं, पार्किंसन डिजीज, ब्रेन के सेल्स मर रहे हैं, पार्किंसन डिजीज, उम्र के साथ अल्जाइमर्स डिजीज, बहुत सारी और भी बीमारियाँ हैं जो धीरे धीरे मेमोरी ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, वो स्ट्रोक नहीं माने जाते, राइट। ये स्ट्रोक, एज रिलेटेड चेंजेस स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब एक्यूट स्ट्रोक होता है। क्रोनिक स्ट्रोक ये भी होता है कि ब्लड सप्लाई कम है लेकिन धीरे 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 कम है, मतलब ब्लड सप्लाई को छोड़ के ब्रेन में और भी चीज़ें डैमेज कर सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो ब्लड सप्लाई को छोड़ के डैमेज कर रही है उसको स्ट्रोक नहीं माना जाता। स्ट्रोक का मतलब है ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम, या तो ब्लीडिंग या तो क्लॉट, या तो ब्लीडिंग हो रही है या तो क्लॉट हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके सिम्टम, अगर शरीर में किसी भी हिस्से में कमजोरी आ रही है, सुनपना आ रहा है, या फिर वो काम ही नहीं कर रहा, कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे वो आपकी टंग हो, अगर स्लरिंग हो गई है, या आपके मुंह टेढ़ा हो गया है, या ऐसी कोई भी चीज़ हो गई है, मुंह टेढ़ा हो गया, स्लरिंग हो गई है, ड्रूलिंग हो रही है, मुंह से सलाइवा गिर रहा है, बेहोश हो गए, दौरे पड़ रहे, ऐसी सारी चीज़ें जो है दिमाग में प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, और फिर हमें टेस्ट करना पड़ता है कि भाई साहब आपको हुआ क्या है। ऐसे में कई बार स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स निकल सकती है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि स्ट्रोक का सिम्टम क्या है। याद रखिए, स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। अगर दिमाग के अंदर एक बहुत बड़े हिस्से में ब्लीडिंग होने लग जाए, तो ब्लीडिंग दबा दबा के ब्रेन को सेंटर से टेढ़ा, सेंटर मिड लाइन शिफ्ट कर सकती है, और मिड लाइन शिफ्ट जब होता है तो कई बार ब्रेन स्टेम हर्निएट होके इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग सिंपल नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुदरत के करिश्मे कि भाई ब्लीडिंग बहुत छोटी सी है, रुक गई है और नहीं हो रही है, तो बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं, हमें देखने पड़ते हैं। तो जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिकल सर्किट दिमाग का, बॉडी का इन्वॉल्व होता है, तो स्ट्रोक का रिस्क हमेशा होता है, तो हमें स्ट्रोक का रिस्क मानना पड़ता है। और याद रखिए, यहाँ पर स्ट्रोक के रिस्क में ब्रेन या नसें खराब नहीं हो रही हैं, उनको पहुँचने वाले न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वो खराब हो रही है। ऐसी और भी बीमारी हैं, न्यूरोपैथी, या जिसमें ब्रेन खुद ही खराब हो रहा है या नसें खराब हो रही हैं, राइट, वो अलग चीज़ हो जाती है, फिर उसका अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसका अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रोक की, ब्रेन के ब्लड सप्लाई की। तो अगर आपको समझ आ रही है बात, तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर करते जाइए, और अगर कोई सवाल है तो नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर होता है, वहाँ पर क्लॉट ही आता है, वहाँ ब्लीडिंग नहीं होती, और अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट बचता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, वो हिस्से में अटैक हो गया, वो सब फट गया, फिर हार्ट में ब्लीडिंग का आएगी, फिर आसपास इतना ब्लड, फिर जय माता दी। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, शेयर करते रहिए, बताते रहिए। ओके, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।